कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो स्पेशली है, और ये कक्षा 12वीं का जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है ब्लूप्रिंट। आप लोगों को मूर्ख नहीं बनना है ना, मैं जैसे बता रहा हूँ अगर वैसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो गारंटी कह रहा हूँ मैं, 80% से अधिक आएगा आपका ये गणित के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो 80% से अधिक आपको लाना है, 90 लाओगे तो ये आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा ट्रिक और तरीका जिससे आप बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, एथेंटिक और बहुत जबरदस्त नंबर ला सकते हो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी बहुत सारे IMP प्रश्न मैंने सूची ढूंढा है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करना है। ठीक है, अभी से लग जाओ क्योंकि आपका पेपर फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है कि फरवरी में होगा कि मार्च में होगा, लेकिन कन्फर्म है फरवरी में होता है तो फरवरी में ही होगा। ठीक है, तो पहले ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ब्लूप्रिंट को आपको कैसे देखना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे देखो 6-6 अंक के कितने प्रश्न आने वाले हैं, 6-6 अंक के गिन लो। ये एक प्रश्न, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 प्रश्न आएगा 6 अंक के। ठीक है, 6 अंक के 6 प्रश्न आएगा, मतलब 36 नंबर का प्रश्न है। अब ये 36 नंबर तुम्हें अगर पूरा पाना है ना तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे पा सकते हो। ठीक है, और ये कौन कौन से अध्याय से है, तो देखो ये अध्याय आवयु से आएगा, 6 नंबर के प्रश्न। ठीक है, ये फिक्स है, ये 6 नंबर आप पाओगे ही पाओगे, मैं जो बताऊंगा उसमें पाओगे ही पाओगे, 100% फिक्स है। और यहाँ पे जो ये सांतत्य तथा अवकलनीयता है ना, यहाँ से भी आपको 6 नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पे समाकलन से भी मिलेगा, 6 नंबर आपको ये समाकलन के अनुपयोग वाले अध्याय से भी मिलेगा, 6 नंबर त्रिविमीय ज्यामिति से मिलेगा, और 6 नंबर यहाँ पे क्या है, रेखीय प्रोग्रामिंग दिया है ना, इससे भी मिल जाएगा 6 नंबर आपको। ठीक है, अब 6 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करना है। ठीक है, आपको देखना तो समझ में आ गया ना कैसे देखना है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आवयु में चलता हूँ। देखो 6 नंबर के प्रश्न फिक्स हो जाएगा कि हम 6 नंबर पा सकते हैं, कैसे पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आवयु को, तो मैं आपको दिखाता हूँ आवयु। आवयु कहाँ पे है, 41 पेज। आपको सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप बुक को पढ़ रहे हो तो आप मूर्ख बन रहे हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको बुक को प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं जो प्रश्न दूंगा उनकी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं भी मैथ्स वाला हूँ, मैंने बहुत सारे प्रश्नों को ऐसे ही बना लेता था क्योंकि मुझे पता है कि इसका ट्रिक और तरीका क्या है। अक्सर मैं जिसको भी बताया हूँ ना, वो हमेशा जो बच्चे यूज किए हैं वो लोग बताते हैं कि सर आपका ट्रिक बहुत अच्छा है और हम यूज करते हैं, तो गारंटी, मतलब वो लोग भी बताते हैं कि हम ऐसा करके इतना नंबर लाते हैं, बहुत अच्छा नंबर लाते हैं बच्चे लोग। तो मैं आपको वही ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो जैसे कि ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है। ठीक है, दीर्घोत्तरी प्रश्न 6 अंक के हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इस प्रश्न की प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करोगे तो इसका सॉल्यूशन भी तो आपके पास होना चाहिए ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्यूशन। ये रहा, ठीक है, यहां तक आपको पता है कि कैसे बनाना है। तुम्हें देखो ये ए है, अब आप लोग जानते हो क्योंकि 12th में हो तो ऐसे प्रश्न बहुत इजी होते हैं। ए है और ये एड जे ए एडजेक्टिव बोल क्या बोलते हैं, एडजेस्ट ऐसा कुछ बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, बहुत समय हो गया गणित में, गणित बनाए हुए, ये सबसे सरल प्रश्न है। ठीक है, तो सखंड कह सकते हो। चलो आगे करते हैं, क्या करना है कि ए का मान तो दिया है, हमें इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में लाने का जो सूत्र है वो ये है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, इस फॉर्म में ला लेना है, उसके बाद दोनों का गुणा कर देना है, सिंपल सा। इन दोनों का गुणा, गुणा करेंगे तो हमें इस फॉर्म में ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, या क्या करेंगे कि इन दोनों को भी गुणा करेंगे तो जो मान इन दोनों के गुणा से प्राप्त होगा ना, इन दोनों के गुणा से, वही मान इन दोनों के गुणा से प्राप्त होना चाहिए और इन दोनों के गुणा से भी प्राप्त होना चाहिए, मतलब तीनों मान सेम होना चाहिए। ठीक है, तो तभी ये प्रश्न हल हो पाएगा। ये रहा, ठीक, तो ये प्रश्न का सॉल्यूशन तो मैंने आपको दिखा दिया। मैं बताना क्या चाहता था आप लोगों को, या IMP प्रश्न में अभी आपको सबको बताऊंगा। ठीक है, सारे IMP प्रश्न को देखो, एक ट्रिक होता है, ट्रिक ये होता है कि जब भी प्रश्न बनाओगे तो वो जो जितने भी IMP प्रश्न है उन सभी प्रश्नों की बस आपको प्रैक्टिस करना है। और एक प्रश्न अगर सेम टू सेम वैसे ही वैसी प्रश्न है तो एक प्रश्न के ना तरीके को रट लो। मैं जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे लिए
तीन तीन बुक को पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, और एक बुक जितना अभी आप पढ़ रहे हो ना उतने ही मोटा एक बुक होता है, और तीन कॉलेज में तीन बुक होता है, तो तीनों बुक को जब पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीन बुक ऐसे पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं केमिस्ट्री नहीं लिया था, मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था, तो कंप्यूटर साइंस में दो सब्जेक्ट उधर हो गया, बढ़ गया, क्योंकि दो पार्ट होता है और दो पार्ट फिजिक्स का होता है, उतना ही मोटा होता है ना जितना अभी आप पढ़ रहे हो। तो इस तरह से कितने पार्ट हो गए टोटल गिनते हो तो, तीन, दो, पाँच और दो, सात, सात पार्ट हो गए। सात पार्ट इधर पढ़ना पड़ता था, दो उसके बाद आपका हिंदी और एक इंग्लिश और एक पर्यावरण, एक साल बाद दिलाना है, तो टोटल नौ सब, नौ पार्ट मतलब नौ सब्जेक्ट आप कह सकते हो, ठीक है। नौ पार्ट या नौ सब्जेक्ट की हमें पढ़ाई करना पड़ता था। सब्जेक्ट तो सिर्फ पांच ही होते हैं, लेकिन नौ बार आपको पेपर दिलाना पड़ेगा, एक को छोड़ दो, पर्यावरण को छोड़ दो, तो नौ बार आपको पेपर दिलाना पड़ेगा। तो नौ बार पेपर दिलाना है तो सभी बुकों को अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। अभी तो पांच ही बुक आप लोग पढ़ते हो जिसमें तीन जो है मेन है, अब तीन ही बुक में हालत खस्त हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते थे जो कोचिंग करते थे सभी सब्जेक्टों का, मतलब पांच सात जो पार्ट है ना, जो सात, तीन सब्जेक्ट और सात पार्ट, तो सातों पार्ट का वो लोग सब कोचिंग करते थे, और वो कोचिंग करने वाले ऐसे नहीं थे, बहुत अच्छा हाई ग्रेड के थे, मतलब अच्छा प्रतिशत लाने वाले बच्चे थे। हाई ग्रेड का मतलब मेरे कहने का मतलब प्रतिशत लाने वाले, 82, 85, 92, तो ये सब बच्चे ना पढ़ाई करते थे, लेकिन वो लोग फेल हो गए क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था, वो लोग सबके सब बुक को पढ़ने लगे। तो बुक को नहीं पढ़ना है आपको, फेल नहीं होना है आपको, बहुत जबरदस्त नंबर लाना है। तो लंबा नाले का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करोगे तो गारंटी है आप लो लेवल में भी हो ना तो काफी अच्छा लेवल में पहुंच जाओगे। आपको बोर्ड की तैयारी करना है तो जो जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उन सब प्रश्नों की ना बहुत जबरदस्त तैयारी करो। तो जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ उसको टिक करो, ये परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा। परीक्षा बोर्ड अगर आप ले रहे हो तो परीक्षा बोर्ड को टिक कर लेना, ठीक है, परीक्षा बोर्ड ही लेना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्या करोगे, लेकिन ये प्रश्न परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे टिक करा देता हूँ, ठीक है। ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न की तैयारी करना है, ठीक है। ये भी वही है, आप हल करोगे तो आसानी से इसका मिल जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, और किसी के पास, अगर आपके पास परीक्षा बोर्ड नहीं है तो परीक्षा बोर्ड से आप लोग निकाल लेना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान आसान सॉल्यूशन है इन सभी का, मैं सॉल्यूशन किसी का नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा, बता दिया हूँ। तो आप लोग परीक्षा बोर्ड जब खरीदोगे ना, दिखाता हूँ मैं, मैंने टिक किया है, ठीक है। ये परीक्षा बोर्ड है, ठीक है, परीक्षा बोर्ड में 2022-23 का है, और ये परीक्षा बोर्ड है स्पेशली, तो परीक्षा बोर्ड में सारे मिल जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है इसे टिक करना है, ये सारे प्रश्न, ठीक है। अध्याय 3 से है ये, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ सिर्फ उनको टिक करते जाना है आपको, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है 6 नंबर में, और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कौन से इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। 11वां को आपको नहीं देखना है, 11वां इतना महत्वपूर्ण नहीं है, 12वां यहाँ पे 12वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 12वां को देखना है आपको। फिर ये 13वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा, ठीक है, सब परीक्षा बोर्ड में है। इसके बाद और कोई प्रश्न है क्या इंपॉर्टेंट, बस इसमें इतना ही था क्या, हाँ और प्रश्न है। इसके बाद डायरेक्ट आ जाना है आपको 18वां प्रश्न में, ये प्रश्न में आना है 18वां में, 6 नंबर फिक्स है। अगर आप इतने प्रश्नों को पढ़ लोगे ना तो 6 नंबर गारंटी है आपका फिक्स हो गया। फिर 19वां प्रश्न को पढ़ना है, ये भी फिक्स हो जाएगा इसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो। और एक दो प्रश्न और होगा, ये 20वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देखना है आपको, ये प्रश्न भी बहुत ईजी है, सोल्यूशन भी, ठीक है। और इसके बाद ये जो 21वां प्रश्न है ये भी बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। तो इतने प्रश्नों की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और कुछ प्रश्न है क्या, हाँ एक और प्रश्न है, 23वां प्रश्न बस, ठीक है, ये प्रश्न है, ये 22वां प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ये अंतिम प्रश्न था इस अध्याय का, इतने प्रश्नों की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसके बाद 6 नंबर के जो प्रश्न आएगा वो आएगा इस अध्याय से, मैं दिखाता हूँ, फिलहाल मैं सभी अध्याय को सभी अध्याय से लाने वाला था। देखो 6 नंबर के कहाँ से है, सांतत्य, ठीक है, एवं अवकलनीयता से आने वाला है, 6 नंबर, 4 और 2 नंबर के। तो 6 नंबर के हम लोग देख रहे हैं, 6 नंबर का फिक्स है, मैं जो बताऊंगा वही आएगा, ठीक है। तो इसलिए 6 नंबर की प्रैक्टिस करना है तो इसको करो। तो 6 नंबर की प्रैक्टिस में 4 नंबर का भी मैं बताऊंगा, पहले 6-6 का देख लेते हैं, ठीक है। 6-6 नंबर से एक से सांतत्य वाला है ना, ठीक है, सांतत्य तथा अवकलनीयता से है, और ठीक है, इकाई 3,
एक मिनट, यहाँ पे इसका और कोई पार्ट थोड़ी बना है। हाँ ठीक है, 6 नंबर के प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं, तो देखते हैं 6 नंबर के प्रश्न कौन कौन सा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, टिक करना है। ठीक है, ये रहा 6 नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये इकाई 3 से है, अध्याय 3 से है। ठीक है, मतलब अध्याय 3 से है ये, तो अध्याय 3 में आपको पता होना चाहिए। ये अध्याय का नाम मैं बता देता हूँ, आव्यूह के बाद था ना। एक सेकंड, कहाँ पे है, बहुत दूर है क्या? इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी को प्रैक्टिस नहीं करना है, कोई मतलब नहीं। देखो, ये सांत्य तथा अवकलनीयता नाम के जो अध्याय है उसमें ये प्रश्न मिलेगा। ठीक है, और ये परीक्षा बोर्ड में आसानी से मिल जाएगा, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न है, इसको देखना है आपको, 6 नंबर का फिक्स हो जाएगा। अगर ये सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लोगे तो 6 नंबर का ये भी फिक्स हो जाएगा, अगर इस प्रश्न की प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, तो 2 प्रश्न हो गए, इसको भी प्रैक्टिस करना है, तीसरा को, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट में ये चौथा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये पांचवा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी राइट पड़ा है। ठीक है, जितने राइट पड़ा है वही सब दिखा रहा हूँ। छठवा भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे सातवां प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आठवां प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, आठवां प्रश्न, और यहाँ पे कितने हैं, ये नौवां भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फिर यहाँ पे दसवां देखो, दसवां भी इंपॉर्टेंट है, और ये रहा, ये 11वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, और कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट, हाँ यहाँ पे 12वां भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट पड़ा है वो भी, और ये 13वां में भी राइट पड़ा है, और एक और प्रश्न यहाँ पे है, ये 14वां प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और है क्या, देख लेते हैं, होगा तो उसको भी इंपॉर्टेंट कहेंगे। ठीक है, 14 प्रश्न आपको पढ़ना, मैंने सिर्फ 14 प्रश्न, तो 6 दूनी 12 नंबर के प्रश्न मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी को और ढूंढ रहा हूँ, ढूंढने के बाद आपको ना कितने प्रश्न है, 4 प्रश्न, उसको एक एक साथ में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो इतने प्रश्नों को आपको अभी देखना है, और ये सब जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतने ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है, ना कि आपको ज्यादा प्रश्नों की। ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करोगे तो कोई मतलब नहीं है, आपका समय जाया होगा और आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे।